बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई है और दिन है बुध का। बेशुमार खबरें हैं, लेकिन शुरू करते हैं कि आज लंदन में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक अहम मीटिंग हो रही है। काबीना का इजलास हो रहा है। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की ज़ेर सदारत पाकिस्तान से गए हुए ज़मानतों पर रिहा मुलज़मान और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जिसको मुसल्लत किया गया है, जिसके ऊपर 40 अरब के केसेज़ हैं, जो ज़मानत पर रिहा है, जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और ये एक बड़ा यूनिक इजलास हो रहा है। ये यूनिक इजलास ऐसे है कि ज़रा गौर करें, ये इजलास है, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम इस इजलास की सरबराही कर रहा है, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जो इश्तियारी है, जो मफरूर है, जो फरारी है, जो भगोड़ा है, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो झूठ बोल कर गया है, जो बीमार होने की मकारी करके गया है, वो पाकिस्तान के का पैसा लूट के गया है और पाकिस्तान का पैसा उसने देना है, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा उसने लूटा है, वो वहाँ पर इजलास की सरबराही कर रहा है। और ये इजलास कहाँ पर हो रहा है? उस इमारत में हो रहा है जो इमारत पाकिस्तान की मलकियत है इस वक्त, जिस इमारत के बारे में अदालती फैसला मौजूद है कि ये आवाम के टैक्स के पैसों को लूट कर ये जगह खरीदी गई है, उस पाकिस्तान के असासे में पाकिस्तान का इश्तिहारी बैठकर इजलास की सदारत कर रहा है, काबीना इजलास की। और काबीना किसकी है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। कौन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? न्यूक्लियर पावर, 22 करोड़ का मुल्क, 22 करोड़ के मुल्क का फैसला, मुल्क के फैसले एक इश्तिहारी मुलजिम मुजरिम बैठ कर रहा है। और ये पहला पाकिस्तान की 74 साल तारीख का पहला इजलास है जो पाकिस्तान से ना सिर्फ बाहर हो रहा है बल्कि जिसकी सदारत मुजरिम कर रहा है, बल्कि जिसमें इस वक्त 7 इश्तिहारी और कोई 6 जमानत पर रिहा मुलजमान कर रहे हैं। 7 इश्तिहारी इस इजलास में शरीक हैं। 7 इश्तिहारी नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज, जो ये इनके वो भी ज़ाहिर वही होंगे, शहबाज शरीफ के बेटे, उनके दामाद, वो नासिर भट्ट वगैरह, ये सारे कुछ 7, ये आबिद चरेली वगैरह कुछ 7 इश्तिहारी इस इजलास में बैठेंगे और मुजरिम इसकी सदारत करेगा, मुलजिम इसमें शरीक होंगे, जमानत पर रिहा इसमें शरीक होंगे। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 22 करोड़ का मुल्क, न्यूक्लियर पावर, उसके फैसले होंगे। अफसोसनाक बात है, शर्मनाक बात है, और क्या कहा जाए, सारी सूरत हाल पर पाकिस्तानी कूड़ ही सकते हैं। और ये चीज़ें पाकिस्तानियों में जो इस वक्त नफरत है, जो गुस्सा है, उसको मज़ीद बढ़ाएंगी ये चीज़ें, ये जलती पर तेल का काम कर रही हैं ये चीज़ें। अब आ जाए इस बात पर, ये इजलास क्यों हो रहा है, इसकी लंबी तफसील है, 3 वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। मौशी हालात, डॉलर का बेकाबू होना, IMF से बात, पेट्रोल महंगा करना, महंगाई का बढ़ना, गवर्नेंस की तबाही, गवर्नेंस की बर्बादी, लोड शेडिंग, इमरान खान के बयानी की जंग, फिर नवाज शरीफ को कुछ नहीं मिला, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सके, उनके केसेस अभी उस तरह ख़त्म नहीं हो रहे, मरियम को पासपोर्ट नहीं मिला, मरियम सऊदी अरब नहीं जा सकी, फिर मरियम ने जनरल फैज़ को टारगेट किया तो उस पर शहबाज शरीफ ने यह कह दिया कि ये जोश क़दामत में बहुत कुछ कह जाती है, इसको सीरियस ना लिया करें। उसके बाद फिर मरियम को उनके ददिहाल की तरफ से, लफ्ज़ ददिहाल यूज़ कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा और बताइएगा मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। मरियम के ददिहाल ने सख्त वार्निंग दी है कि आज मरियम जो जलसा करने जा रही हैं उसमें मरियम इशारों किनारों में भी जनरल फैज़ को टारगेट मत करें। और अगर और अब देखना है कि मरियम नवाज सियासी गैरत का मुजाहरा करती हैं और डट जाती हैं और आज भी जनरल फैज़ का नाम लेती हैं, या जो इकतदार भीख में मिला हुआ इकतदार है वो उनकी गैरत को सुला देता है और वो जनरल फैज़ का नाम नहीं लेती। बहरहाल ये तो आज के जलसे में पता चल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब लंदन में बैठे सब सर जोड़कर बैठे हैं, मुलजमान मुजरमान इश्तिहारी फरारी भगोड़े सारे, के क्या करना है मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या करना है, इलेक्शन करवाने हैं, और ये आज क्योंकि रबते भी हो रहे होंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 ऑप्शन सामने रखने हैं कि या हम अभी असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन में जा रहे हैं, या हम मुश्किल फैसले करते हैं, IMF से बात करते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते हैं, और फिर हम किसी सूरत भी अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और फौज इस बात की गारंटी दे कि आर्मी चीफ अगर तब्दील भी हो जाते हैं तब भी हम जो है वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और आप इस बात की गारंटी दें कि इलेक्शन नहीं होगा, और अगर इलेक्शन पहले होगा तो फिर आप इस बात की गारंटी दें कि इमरान खान इस सारी दौर से बाहर होगा। अब नून लीग के अंदर भी मुख्तलिफ ख्याल हैं। एक नून लीग के अंदर ख्याल यह है कि जनरल बाजवा साहब के होते हुए हर सूरत में हमें इलेक्शन कराने चाहिए। एक ख्याल यह है कि अगर इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो गुंजाइश मौजूद है और बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। एक यह है कि एक टेक्निकल तौर पर इसके साथ खेला जाए कि अक्टूबर में असेंबलियां हम तोड़ दें, जब हम असेंबलियां अक्टूबर में तोड़ेंगे तो निगरान सेटअप आ जाएगा, और निगरान सेटअप आर्मी चीफ की तकरीर नहीं कर सकेगा, तो वैसे ही 5-6 माह जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनकी टेक्निकली एक्सटेंशन हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनके बारे में कैटेगोरिकल बता दिया गया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। तो ये मैंने आपको नून लीग की साइड बताई कि नून लीग क्या सोच रही है। अब हुआ ये
कि जब वहां पर सब सर जोड़ कर बैठे हैं इलेक्शन के लिए बात करने लगे हैं, तो अचानक खबर आती है कि आसिफ अली जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, किसी को नहीं पता था, अचानक उन्होंने मीडिया को बुलाया और बुलाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकल फौरी इलेक्शन की मुखालफत कर दी। जब वहां पर इजलास हो रहा था, वहां पर इजलास में मियां नवाज शरीफ को और सारे इश्तियारियों फरारियों भगोड़ों को खबर मिली कि जनाब आसिफ अली जरदारी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी है और उसने कहा कि कोई फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। और उसके लिए आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जो मुश्किल पाकिस्तान के मौशी हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान के असासे भेजें, बेचें पाकिस्तान के इदारे बेचें, उसके लिए जो मुनाफे में पाकिस्तान के असासे हैं उनको बेच दें, जो बेचना पड़े बेचें, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन की सपोर्ट नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। आसिफ अली जरदारी ने कैटागोरिकल ये मैसेज दे दिया है नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को, मुस्लिम लीग नून को। अब वहाँ उनके सर पर बन गई है, उनके लिए मुश्किल हो गई है कि आसिफ अली जरदारी ने उनको टेंशन दे दी है और ये बुरी खबर उनको वहां पर मिली कि आसिफ अली जरदारी ने मुखालफत कर दी है। लेकिन आसिफ अली जरदारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ आम पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक चीज पहले आपके सामने रख दूं कि ये वक्त भी आना था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंदर करप्ट चोर लुटेरे सियासतदान बैठकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में किस कोर कमांडर को तब्दील किया जा रहा है, और साफ ही बैठकर बता रहे हैं, नजम सेठी बैठकर बता रहा है कि जनरल फैज साहब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले, जीएचक्यू खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। और यही अल्फाज आसिफ अली जरदारी इस्तेमाल करते हैं कि जनरल फैज तो खुडे लाइन है, हालांकि जनरल फैज साहब इस वक्त कोर कमांडर पिशावर हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो हालात हैं वो शदीद तरीन खराब हैं, हमारे जवानों की जानें गई हैं, हमारे जवान वहां पर लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से मुदाखलत हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है, वहां हालात खराब हैं और वहां जो हमारे जवान लड़ रहे हैं उनको अगर कोई बंदा लीड कर रहा है तो उसका नाम जनरल फैज हमीद है, जो पाकिस्तान का फख्र है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त काम किए, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर 40 मुल्कों की फौजों जो चाहती थी वो वहां पर, भारत वहां पर रहे, वहां भारत के अड्डे रहे और जो कुछ वहां पर सूरत हाल थी, इन सब चीजों को अगर भारत को किसी ने धचका दिया है तो वो जनरल फैज हमीद साहब हैं। और उन्होंने जो अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया कि अड्डे सारे खत्म हो गए, दहशतगर्दी की जो भारत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाहिर है उसके बाद अफगान तालिबान आ गए, उन्होंने बहुत कुछ करना था जो कि वो उस तरह से नहीं कर रहे, हालांकि पाकिस्तान ने उनके लिए क्या कुछ है जो नहीं किया पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के लिए। अब इस मसला क्या है, मसला यह है कि आसिफ अली जरदारी ने बड़ी जबरदस्त गेम किया है, वो सारी वजारतें जिन्होंने मुश्किल फैसले करने हैं, मुआशी फैसले, पानी का मसला, बिजली का मसला, ये सारे वो सारे तो दे दिए उनको, खुद उन्होंने मजे से वो आईनी अहदे लिए, वो वजारतें ली जिनका कोई अवाम के ऊपर बैकलैश नहीं आना। आसिफ अली जरदारी किसी सूरत फौरी इलेक्शन नहीं चाहते क्योंकि सिंध हुकूमत उनके पास है, सिंध हुकूमत में वो मजे से जो है वो उनकी जा रहे फेंक उठ केस पढ़ लें, दिहाड़ियां लगी हुई हैं, रोजाना पैसे आते हैं, रोजाना सदके के बकरे तक बिलावल हाउस के करप्शन के पैसों से आ रहे थे, उनकी तो दिहाड़ियां लगी हुई हैं, वो क्यों एक दिन भी पहले क्यों चाहेंगे कि सिंध असेंबली खत्म हो। अब नवाज शरीफ का मसला ये है, उनको पता है कि मुश्किल फैसले ये करेंगे, नून लीग करेगी, गालियां नून लीग को पड़ेंगी, प्रेशर नून लीग पे आएगा, हालत यह है कि नून लीग वाले टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि भाई हम तो आवाम में जा नहीं सकते, हम तो बैठ के कहीं चाय नहीं पी सकते, कॉफी नहीं पी सकते, नवाज शरीफ लंदन में घूम फिर नहीं सकते, नवाज शरीफ वहां कॉफी नहीं पीने जा सकते, वहां शॉपिंग करने नहीं जा सकते, वहां पर वो मियां साहब वो जो चहलकदमी के लिए जाते होते थे वो नहीं जा सकते। यहां पर मुहर्रिफ अकीन 40 उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, जो आज फैसला है इलेक्शन कमीशन का आगे क्या होने जा रहा है, वो 70 दिन हो गए अवाम में नहीं गए, ईद की नमाजें पढ़ने वो नहीं जा सके, मियां नवाज शरीफ वहां पर ईद की नमाज पढ़ने नहीं जा सके, तो मामलात जो है वो बहुत गंभीर हैं। नून लीग इलेक्शन में जाना चाहती है या एस्टेब्लिशमेंट से गारंटियां चाहती है, जरदारी इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, बड़ी एक अजीब सूरत हाल है, ये भानमती का कुंभा जिसको मुसलत किया गया, जिनकी वजह से पाकिस्तान की मुईशत तबाह और बर्बाद हो गई, आज हालात आपके सामने, और इनको पता था कि आज वहां पर इलेक्शन की बात हो रही है, और इनके घर के बंदे हामिद मीर ने यह खबर दी आज भी आसिफ अली जरदारी को, और मौलाना को भी कहा गया कि ये लोग वहां पर जाएं शरीक हों, इन्होंने इनकार किया कि हम लंदन नहीं जाएंगे। साथ ही खुर्शी शाह ने आज समा टीवी पर हमारे दोस्त अबास शबीर को जो है वो इंटरव्यू दिया है, जिसमें ये बात बताई खुर्शी शाह ने कि लंदन में आज इलेक्शन के मामले पर गौर होने जा रहा है, और आसिफ अली जरदारी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी यहां से बैठकर, नवाशी को टेंशन दे दी कि मैं जो है वो किसी तौर पर जो है वो इलेक्शन को सपोर्ट नहीं करूंगा। अब आ जाए ये जो आसिफ अली जरदारी हैं उनका मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी ने एक तो ये सारे जो कहते थे कि इमरान खान ने आईएमएफ के सामने सरेंडर कर दिया है, आज कह रहे हैं कि आईएमएफ के पास जाने के अलावा तो हमारे पास चारे कोई नहीं है, आईएमएफ के पास तो जाना पड़ेगा वरना पाकिस्तान में जो है वो इस्तेकाम नहीं आ सकता। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि वो कहते हैं कि मुनाफा बख्श जो इदारे हैं उनको बेचा जाए,
और वो उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि इमरान खान के अलावा सब मेरे साथ हैं, सब पार्टियां हुकूमत में शामिल हैं। यही तो मसला है, सब हुकूमत में हैं लेकिन इस वक्त राज जो बंदा कर रहा है उसका नाम इमरान खान है, अवाम में अगर कोई बंदा है तो वह इमरान खान है, बाकी सब छुप के बैठे हुए हैं। और मरियम को भी स्पेशल VIP सिक्योरिटी दे दी गई रेंजर्स की और बड़ी सख्त सिक्योरिटी। ये हालात हैं, एक मुजरम आए वो, उनकी जो है वो कन्विक्शन बरकरार है, सेंटेंस उनकी सिर्फ सस्पेंड है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इमरान खान ने गुमराह कर रखा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की गर्मी का नहीं पता, पाकिस्तान के हालात की नहीं पता और वो गुमराह है और उनको यहाँ की महंगाई का इल्म नहीं है। और वो कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जो बाजवा को सल्यूट करना चाहिए, बाजवा साहब जो हैं वो ए पोलिटिकल हो गए और उनको गालियाँ नहीं देनी चाहिए बल्कि उनको सल्यूट करना चाहिए। और वो कहते हैं मुल्क के फैसले हमने सियासतदानों ने करने हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो मुशर्रफ है वो बेनज़ीर का कातिल है, साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को कहा है कि वो बेनज़ीर के कातिल हैं और साबिक जो आर्मी चीफ हैं जनरल ज़ियाउल हक उनके बारे में उन्होंने बड़ी तज़ीक अमेज़ लहजे में कहा कि वो पाश पाश हो गया था उसका जिस्म जब वो जहाज़ क्रैश हुआ था। तो वो बहरहाल कह रहे हैं कि MQM को हमने ठीक रास्ते पर लगा दिया, भटके हुए थे आप ज़ाहिर है ठीक रास्ते पर लगा दिया, और इस पर मैं अलग से बात करूँगा कराची क्या कीमत अदा कर रहा है MQM की वजह से। और फिर उन्होंने एक सवाल हुआ कि मुजाहिद बरेलवी साहब ने कि आप कहते हैं कि इलेक्शन का फैसला हम करेंगे, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शायद हम जनरल बाजवा के होते हुए इलेक्शन करा दें ताकि उनकी रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन हो। उसके बाद एक और सवाल ये भी हुआ कि फ़ौज के मामलों पर कमांड रखने वाले बाज़ तजियाकारों का कहना है कि फ़ौज का एक बड़ा धड़ा इमरान खान के साथ खड़ा है, इमरान खान के पीछे खड़ा है और आप लोग ट्रैप हो गए, आपके साथ फिर हाथ हो गया। उसके बाद जो है वो मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक साल पहले आपने इमरान खान को घर भेज दिया और अब सारी चीज़ें जो इमरान खान के खाते में पड़नी थी वो सब आपके खाते में पड़ रही हैं। तो एंड पे मैंने आपको बता दिया कि आसिफ अली जरदारी ने तज़ीक अमेज़ लहजे में जनरल फैज़ साहब पर अटैक किया और कि जनरल फैज़ को खुटे लाइन जो है वो लगा दिया गया है। ये कह रहे हैं कि खुटे लाइन लगा दिया गया है, नजम सेठी कह रहे हैं कि लगाया जा रहा है और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर ट्रांसफ़र होता है तो फिर इसका मतलब है इनकी बात की तस्दीक हो जाएगी कि ये फैसला ना से पहले हो चुका था कि फैसला को ट्रांसफ़र करना है, बल्कि ये फैसला मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल इन सबको कन्वे भी कर दिया गया था और मौलाना फजल रहमान को कि उनको ट्रांसफ़र जो है वो किया जा रहा है। मुझे अपने दो में याद रखें, अलकरीम हम सब कहा मिनासरो, अल्लाह हाफिज़।